जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में मस्त होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर आरपीएफ कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर है, यानी जो आपकी पिछली भर्ती आरपीएफ कांस्टेबल की निकली हुई थी उसका ये पूरा आंसर की है, जिसमें आपका जीके जीएस रीजनिंग और मैथ शामिल है। तो हम जीके जीएस के सेक्शन को या जीके जीएस के पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है? ये आप देख लीजिए, 19 जनवरी 2019 को एग्ज़ाम हुआ था, थर्ड शिफ्ट का ये पेपर है, ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था और ऑनलाइन एग्ज़ाम रेलवे में होता ही है, और पद है आपका कांस्टेबल, ठीक है? इसके अलावा आपका आरपीएफ एएसआई का भी मैंने सॉल्व करवाया है, तो अगर आपने नहीं देखा तो देख सकते हो, ठीक है? तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ये रहा आपका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है आपका, थोड़ा और जूम कर लो इसको, अच्छा दिख जाए। सोडियम धातु को केरोसिन में क्यों संरक्षित किया जाता है? तो इसको ऑक्सीजन और जल के साथ उसकी तीव्र अभिक्रिया से बचाने के लिए। अगर आप सोडियम को पानी में फेंकोगे तो विस्फोट हो जाएगा, ठीक है? विस्फोटक का कार्य करता है। फेंक के देखिएगा, छोटा सा टुकड़ा ले लीजिएगा सोडियम का और फेंकिएगा पानी में, विस्फोट मार देगा, इसलिए इसको केरोसिन में रखा जाता है। समझ में आ गया? अगला, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो है अब्दुल गफ्फार खां। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा वेद गीतों गाए जाने वाले मंत्र की पुस्तक कहलाती है? तो कौन सा वेद है? वो है आपका सामवेद। इसको हम गीतों की पुस्तक भी कह सकते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही। अगला, निम्नलिखित में से किसे आंध्र प्रदेश की राजधानी घोषित किया गया था? तो वो है आपका अमरावती। किसको घोषित किया गया था? अमरावती को। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न, बोस आइंस्टाइन द्रव को डैश की गैस को सामान्य वायु की अति निम्न परम ताप पर लगभग 1000 घनत्व तक डंडा करके बनाया जाता है? तो भैया बोस आइंस्टाइन द्रव को कितना? अति निम्न घनत्व पर। यहाँ पर क्या आएगा? अति निम्न घनत्व पर। ऑप्शन ए सही होगा। तो इसमें आपके जनरल साइंस के भी काफ़ी प्रश्न और काफ़ी डीपली से पूछे जाते हैं। नीति आयोग क्या है? तो नीति आयोग एक असंवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसका अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, जो कि वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। भारतीय फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना किस स्थान पर की गई? कोलकाता में हुई थी। निम्न में से किन राशियों के मात्रक समान है? तो वो है गति और वेग के। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा प्रदेश अपनी मार्शल आर्ट की थांगता शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है आपका मणिपुर। कौन सा है? मणिपुर। अगला प्रश्न देखिए, एक मिनट रुकिएगा। प्रश्न है, किस प्रकार की जलवायु में वर्षा केवल सर्दियों के दौरान ही होती है? तो किस प्रकार की जलवायु में? तो भूमध्य सागरीय जलवायु में, ठीक है, जिसमें केवल सर्दियों के दौरान ही होती है क्या वर्षा। अगला, हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन शहर कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न, कार्य करने की दर कहलाती है? तो क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। ऑप्शन सी सही होगा। निम्न में से कौन सा कौशल भिड़ंत प्रतिस्पर्धा से जुड़ा हुआ नहीं है? तो कौन सा नहीं है? वो है आपका स्कीइंग। कौन सा नहीं है? स्कीइंग। ऑप्शन ए सही होगा। अगला, विली विली कहाँ आने वाले उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का स्थानीय नाम है? तो कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में आने वाले, ठीक है। नीदरलैंड की राजधानी कौन सी है? तो वो है आपकी एम्स्टर्डम। कौन सी है? एम्स्टर्डम। केरल का पालघाट दर्रा पालघाट को किससे जोड़ता है? कोयम्बटूर से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? कोयम्बटूर से। रोमन रिंग्स निम्न में से किस खेल से संबंधित हैं? तो ये आपके जिम्नास्टिक से संबंधित हैं, ठीक है। रोमन रिंग्स जानते होंगे, बड़े बड़े बार रखे होंगे। अच्छा है भैया, लंबा पुट्टा।
मेरी तरह लंबा। उस्ताद जाकिर हुसैन किसके लिए विख्यात है? भाई तबला बजाते हैं ये, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन डेंगू वायरस का वाहक है? वो है मादा एडीज मच्छर। इसके द्वारा भैया आपको क्या फैलता है? डेंगू रोग फैलता है। एक राज्य का राज्यपाल दूसरे राज्य के राज्यपाल के रूप में भी कार्य कर सकता है। संविधान में यह प्रावधान किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है? तो यह आपका 7वें संविधान संशोधन, जो कि आपका भी पंजाब में और हरियाणा, यानी पंजाब या चंडीगढ़ का राज्यपाल एक ही होता है ऐसा कुछ, या हरियाणा का। इसमें किसकी अनुशंसा पर और जैसे कि लक्षद्वीप और एक और है जिसका दोनों का देख, लक्षद्वीप और नागर हवेली, इनमें आपका राज्यपाल जो है एक ही होता है, एक ही दोनों को देख लेता है वो। किसकी अनुशंसा पर भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 370 को स्थगित कर सकता है? तो किसकी? राज्य की विधानसभा की, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, अब तो बदल चुका। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुई थी? तो अनुच्छेद 148 के तहत हुई थी। अगला, निम्न में से कौन सा कोशिकांग एडीनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP उत्सर्जित करता है? तो वो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, जिसको बिजली घर भी कहते हैं, जी द्रुप का बिजली घर। अगला, सेंटिनल जनजाति भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये आपका अंडमान द्वीप में पाई जाती है, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न, राज्य विधानसभा का पहला सत्र किसके द्वारा संबोधित किया जाता है? तो ये आपका राज्य के राज्यपाल द्वारा, ऑप्शन सी सही होगा। गारो पहाड़ियां का सबसे ऊंचा शिखर है कौन सा है? नोक क्रेक है, ऑप्शन सी सही होगा। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर पाई जाने वाली बेरोजगारी का प्रकार कौन सा है? तो वह आपका प्रच्छन्न बेरोजगारी, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो वो है तेल शोधन, ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, गोरखपुर निम्न में से किस भारतीय रेल मंडल का मुख्यालय है? तो गोरखपुर जो है वो आपका पूर्वोत्तर रेलवे के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से खेती की एक आधुनिक विधि कौन सी है? तो वो है जैविक उर्वरक, ये बड़ी विधि है। और पौडुचेरी विधानसभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1963 में हुई थी और इसमें एक ही लोकसभा सीट है, मुख्यमंत्री इसका होता है। किस भारतीय राज्य की लोकसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश की है, 80 सीटें हैं। निम्न में से किस भगवान को ऋग्वेद पुरंदर कहा गया है? तो इंद्र देवता को या इंद्र भगवान को। निम्न विकल्पों में दिया गया कौन सा शब्द फ्री हैंड एक्सरसाइज को व्यक्त करता है? तो वो है आपका कैलिस्थेनिक्स, ऑप्शन ए सही होगा। ओलंपिक के ग्रीष्मकालीन सत्र के अंतर्गत निम्न में से कौन सा खेल शामिल नहीं है? तो कौन सा खेल शामिल नहीं है तो ये आपको बताना है। तो वो है आपका कार्लिंग, कौन से खेल शामिल नहीं है? कार्लिंग। तो कुछ कई प्रकार के प्रश्न, कुछ आपके हटके पूछ लेता है, कुछ तो आपको बिल्कुल सही पूछ लेता है। जैसे RPF SI में भी देखो तो उसने झारखंड की राजधानी पूछ ली, उत्तराखंड की राजधानी पूछ ली किसी की, तो ये तो बच्चे को पता है यार। अगला प्रश्न, जम्मू एवं कश्मीर राज्य पर निम्न में से क्या लागू नहीं होता है? तो इस पर वित्तीय आपातकाल नहीं लागू होता है, ठीक है, अब सारे नियम बदल चुका है। खपत व्यय पर आय की अधिकता कहलाती है, क्या कहलाती है? बचत कहलाती है, ऑप्शन बी सही होगा। कबड्डी को किन एशियाई खेलों में पहली बार शामिल किया गया? तो 11वें, तो ऑप्शन बी सही होगा। अगला, घाटे की बजट नीति को और क्या कहा जाता है? तो इसको विस्तारित आर्थिक नीति कहा जाता है, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंग अनुपात सबसे कम है? वो तो हरियाणा है, सबसे अधिक केरल में है। अगला प्रश्न, पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ? बेलग्रेड में हुआ, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न, डांडिया एक पारंपरिक लोक नृत्य कहाँ का है, किस राज्य का है? गुजरात का है।
साहित्य अकादमी द्वारा कितनी भाषाओं में पुरस्कार प्रदान किया जाते हैं? तो 24 भाषाएं, जो कि आपकी 8वीं अनुसूची में दी गई है। 24 भाषाएं, 24 है या 22 है? 24 है, आप 22 में कैसे हुआ 24 में? 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष YV रेड्डी, ऑप्शन ए सही होगा। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ? तो आपका लुम्बिनी में हुआ था। मनुष्य में जब वाई गुणसूत्र वाला एक शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो युग्मनज किस रूप में विकसित होता है? तो आपका नर शिशु बनेगा। कैसे बनेगा? नर शिशु। कैसे समझ लो, अच्छा प्रश्न है। मनुष्य में जब वाई गुणसूत्र वाला एक शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है, ठीक है, तो किस रूप में विकसित होता है? बे, ये तो पुरुषों में होता है एक्स वाई और महिला में होता है एक्स, ठीक है, ये भी पूछा गया है। अगला, निम्न में से सातवाहन राजवंश की राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी थी पैठण। क्या थी? पैठण। अगला प्रश्न, किसी परमाणु के वाहतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? तो ये आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं, ऑप्शन बी सही है। न्यूयॉर्क शहर किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो ये आपका हडसन नदी के किनारे पर। किसी वस्तु के आवेश वाहक होने अथवा होने का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए इलेक्ट्रोस्कोप का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन ए सही होगा। तो दोस्तों, ये थे आपके आरपीएफ में आरपीएफ कांस्टेबल में पूछे गए जीके जीएस के प्रश्न। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आगे जो सेक्शन है वो आपका रीजनिंग का है, ठीक है। कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न हैं, बड़े ही आसान होते हैं और थोड़ी सी यहाँ वहाँ चूक हुई तो गलत भी हो जाते हैं, ठीक है। तो रीजनिंग के ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं।